बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए, और एक चीज़ हमेशा कॉमन रही है, यहाँ का प्यार, लोगों का जो प्यार है, जिस तरह से वो मेहमान नवाजी करते हैं, आपका देखभाल करते हैं, आपकी ख्याल करते हैं, एक चीज़ हमेशा यही रहा है और वही प्यार मुझे हमेशा खींच लाती है दोबारा हर बार उड़ीसा। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा और वक्त बिताऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतना वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है, बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा वापस आ ही जाता हूँ। काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए इंडल्ज, और सुकृति मैडम भी एक अभी बहुत एक फैमिली जैसा रिश्ता बना है हमारा। मैं भी जितना भी हो सके मैं थोड़ा सा योगदान देता हूँ उनके इंडल्ज में, और मैं चाहता हूँ कि वो बहुत आगे तरक्की करें, बहुत सारे सैलून्स खोलें इंटरनेशनली भी, और क्योंकि वो शी इज़ अ वेरी एंटरप्राइजिंग, अ वेरी यू नो मेटिकुलस, बहुत मेहनत से वो काम करती हैं अपने ब्रांड पर, और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा ब्रांड बनाया है। इस खूब सारा मेहनत, सारा श्रेय उनको ही जाता है, तो आई मीन ऑल ऑल क्रेडिट टू हर, एंड ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज ट्राई एंड सपोर्ट हर एज मच एज पॉसिबल। माई फेवरेट फूड इन ओडिशा, सुकृति हेल्प मी आउट हियर, व्हाट इज माई फेवरेट फूड इन ओडिशा? अभी आए हैं तो बहुत सारा मिठाई लेके जा रहे हैं, मिठाई साथ में, तो रसगुल्ला है। अभी तक बुलावा आया नहीं है, जब आएगा तब जाएंगे। एक फिल्म जिसके लिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ, उसका नाम है रिवाज़, वो अगले साल ही आएगी, और जनवरी के बाद कुछ और प्लानिंग चालू है, तो जब होगी तो मैं आपको बताऊँगा, बट दिस गोना बी माय नेक्स्ट रिलीज़। मतलब इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि हमें हमेशा ये कहा जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप खुश रहो। ऐसा क्यों कहा जाता है? कि खुशी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यू नो आई थिंक जब तक आप खुश हैं तो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। सो इसमें कोई डीप स्पिरिचुअल मैसेज नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा मैसेज है कि आप जितना हो सके आप अपने आप को खुश रखो, लाइट रखो, इन्जॉय करो सारी चीज़ें, तो ज़िंदगी आपको अच्छी लगेगी। जो जितना आप स्ट्रेस लोगे, जितना आप उदास रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको ज़िंदगी ख़राब लगेगी, डिप्रेशन में आप चले जाओगे, तो मत करिए, सिर्फ इन्जॉय कीजिए, खुश रहिए, दैट्स द ओनली थिंग इन लाइफ। ओडिशा साहित्यर माटी, ओडियांक रक्तरे साहित्य, साहित्य ही समाजर प्रतिबिंब। गल्प, कविता, प्रबंध, रम्य रचना और अनुवाद साहित्यर एमिति अनेक कृति को नहीं आमर ए विशेष कार्यक्रम कथा साहित्यर। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଜନ୍ତ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।